वेरी गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं प्रीति शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे BLIS 106 यानी कि रेफरेंस सोर्सेज एंड सर्विसेज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। इसमें हम डिस्कस करेंगे डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस होती क्या है, इसकी नीड क्या है, इसके पर्पज़ क्या हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर्स अवेलेबल हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस होती क्या है। द DDS ऑल्सो नोन एज ए डॉक्यूमेंट डिलीवरी सप्लाई सर्विस इज कंसर्न विद द सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट ईदर ओरिजिनल और इट्स कॉपी इन प्रिंट और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू द यूजर ऑन डिमांड। इट इज़ लाइक CES इंडेक्सिंग एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस, लिटरेचर सर्च सर्विस एक्सेट्रा। इट मीन्स कि जैसे कि हमारी लाइब्रेरीज में बहुत सारी सर्विसेज यूजर्स को प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे कि आपका CES सर्विस हो गया यानी कि करंट अवेयरनेस सर्विस, इंडेक्सिंग सर्विस एंड एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। ऐसे ही आपकी रेफरेंस सर्विसेज भी होती हैं। और अगर हम बात करें कि DDS की कि ये किस सर्विस के अंतर्गत आता है, तो जो रेफरेंस सर्विस होती है यानी कि जिसमें हम यूजर को एडवाइस करते हैं या यूजर को सजेस्ट करते हैं या यूजर रिक्वेस्ट जो सर्विस होती है, ये इसके अंतर्गत आती है। और ये लॉन्ग रेंज मतलब रेफरेंस सर्विस भी हम कहते हैं इसे, लेकिन बेसिकली रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत आती है। और इसमें जो यूज़र्स होते हैं उन्हें जो लाइब्रेरीज में अगर कोई यूज़र कोई बुक की या जनरल की रिक्वेस्ट कर रहा है और वो हमारी लाइब्रेरीज में नहीं है, तो हम उस यूज़र को किसी अदर लाइब्रेरी से कॉन्टेक्ट करके उसे इंटर लाइब्रेरी लोन या फिर डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के द्वारा उस यूज़र को उस कंटेंट को प्रोवाइड कराते हैं। तो ये बेसिकली ये आपकी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस है। और ये कंटेंट आपका किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, इट मीन्स आपका प्रिंट हो सकता है, आपका आपका बुक्स होती है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो सकता है, जर्नल हो सकता है, मैनुस्क्रिप्ट हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप के आपके कंटेंट हो सकते हैं। और अब हम इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो ऑनलाइन डिक्शनरी ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अकॉर्डिंग, प्रोविजन ऑफ पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड डॉक्यूमेंट इन हार्ड कॉपी, डिजिटल फॉर्मेट, माइक्रो एंड मैक्रो फॉर्म यूजुअली फॉर अ फिक्स्ड फी अपॉन रिक्वेस्ट, यानी कि बहुत ही नॉमिनल फी में हम यूज़र को उसकी रिक्वेस्ट पे जो भी उसका कंटेंट रिक्वायर्ड होता है, अगर उसकी लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं होता तो वो हार्ड कॉपी या फिर डिजिटल फॉर्मेट में या माइक्रो एंड मैक्रो फॉर्म में हम उसे वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल और वाया फैक्स और वाया पोस्ट उसे भेजते हैं। तो ये डेफिनेशन है, आई होप इससे आपको इसकी इसके बारे में पता चला होगा कि क्या चीज़ होती है। और अब हम इसके नीड एंड पर्पस के बारे में जान लेते हैं। तो ये इसे हमने तीन भागों में डिवाइड किया है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज ऑफ डिमांड एंड डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर। तो अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो डे बाई डे हमारी जो मशीनरी है या हमारे जो टूल्स हैं या जो टेक्नोलॉजी है हो रही है वो टाइम टू टाइम डेवलप हो रही है। तो अगर बात करें 1950 की दशक की, तो उस समय हमारे पास फोटो कॉपी मशीन अवेलेबल थी, 1970 के दशक में हमारे पास स्कैनर्स अवेलेबल थे, तो जिसकी मदद से हम अपनी जो हमारे पास कंटेंट लाइब्रेरीज में अवेलेबल थे उसके हम फोटो कॉपी करके स्कैन करके मैक्सिमम यूजर्स को मतलब प्रोवाइड करा सकते थे। तो ये कैसे पॉसिबल था, हमारे पास फोटो कॉपी मशीन है, स्कैनिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, आपके इंटर लाइब्रेरी लोन सॉफ्टवेयर्स भी हैं, तो इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस की ज़रूरत पड़ी, जिसकी वजह से हम जो हमारे पास कंटेंट हैं उसे स्कैन करके फोटो कॉपी करके सॉफ्ट कॉपी में या डिजिटल फॉर्म में हम अदर यूजर्स को भेज सकें। और अगर हम बात करें इंक्रीज ऑफ डिमांड की, तो इंक्रीज ऑफ डिमांड मतलब जैसे कि हमारे टेक्नोलॉजीज में इंप्रूवमेंट हुआ है डे बाई डे, इसी प्रकार से हमारा जो डेटा है चाहे वो बुक फॉर्मेट में है, मैनुस्क्रिप्ट है, जर्नल है, आपका थीसिस है, डिसर्टेशन है, साइटेशन या कुछ भी आपका जो भी डेटा है वो भी डे बाई डे इंक्रीज हो रहा है। इसी प्रकार से आपकी जो यूज़र की मतलब नीड है वो भी डे बाई डे बढ़ रही है, क्योंकि हमारे यूज़र भी बढ़ रहे हैं। तो इसको कैसे हम लोग मतलब इंडिविजुअल लाइब्रेरी कोई कैपेबल नहीं है कि इंडिविजुअल लाइब्रेरी अपने सभी यूज़र की नीड को फुलफिल कर सके अपने पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या कलेक्शन से। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि नीड और मतलब उसकी ज़रूरत पड़ी अपनी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस की। और जैसे कि टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, टाइम टाइम बढ़ रही है, उसमें ग्रोथ हुई है, तो हमारे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर्स भी अवेलेबल है, जिनकी मदद से हम जो हमारे पास स्कैन कॉपी या डिजिटाइज फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं कंसोर्टिया के थ्रू या फिर हम अलग अलग माध्यमों से हम यूज़र्स को डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के द्वारा पहुँचा सकते हैं। और अगर हम बात करें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को थोड़ा सा डिटेल में समझने की, तो इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे कि हमारे पास टेक्नोलॉजीज हमारे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के लिए, क्योंकि जैसे हमारे लिए हमको स्कैनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं या फिर आपके जो इंटर लाइब्रेरी लोन सॉफ्टवेयर, अगर हम बात करें तो AL हमारा इंटर लाइब्रेरी लोन सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। और
तो ये सारे हमारे इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी को परिभाषित करते हैं। और इसमें अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम की, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमको मतलब वाया मेल यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हम यूजर्स को भेजते हैं, तो ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम कहलाते हैं। इनमें हमें इंटरलाइब्रेरी लोन सॉफ्टवेयर की AEL की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जैसे कि इंफोट्राइव इनकॉर्पोरेशन, OCLC, डॉक लाइन सिस्टम एंड ई जर्नल्स पब्लिकेशन लाइक इमरल्ड, स्प्रिंगर, वाइले। तो बेसिकली क्या है, जैसे इंफोट्राइव की हम बात कर ले तो ये बहुत ही मतलब फुली मतलब ऑटोमेटेड इंटरलाइब्रेरी लोन सर्विस लैंडिंग सर्विस है। और इसमें लगभग 1 मिलियन आपका कह सकते हैं कि डेटाबेस अवेलेबल है, और जिसका 70% विद इन 5 मिनट इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम के द्वारा यूजर्स को पहुंचाया जा सकता है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें OCLC की यानी कि ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर की, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑनलाइन कंप्यूटराइज इंटर लाइब्रेरी लैंडिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है। और इसके ऑपरेशंस की बात करें, ये कब से स्टार्ट हुआ, तो ये सिंस 19 मई 2014 से स्टार्ट हो चुका है। और इसी प्रकार से इसी में ही आगे डॉक लाइन सिस्टम भी है जो कि किसी मतलब पर्टिकुलर मेडिकल साइंस यानी कि ये इसका जो अगर बात करें ओनर की, तो आपका जो हम इसी में बात करते हैं डॉक लाइन की, तो डॉक लाइन बेसिकली इंटर लाइब्रेरी लोन सिस्टम प्रोवाइड कराता है और ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन USA मतलब के अंडर में आती है। और इसमें जनरली जितनी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी मेडिसिन से रिलेटेड मतलब लाइब्रेरीज होती हैं उनका डेटा होता है, वही डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम के माध्यम से यूजर्स को प्रोवाइड कराया जाता है। और इसमें ही आपकी काफ़ी ई जर्नल्स पब्लिशर्स भी हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम को प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि इमरल्ड हो गए, स्प्रिंगर हो गए, वाइले हो गए। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम्स के अंतर्गत आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वाया मेल और वाया फैक्स यूजर्स को डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और इसी में ही आप आगे आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो हमारा ई जर्नल कंसोर्शिया बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी मदद से क्या होता है कि कंसोर्शिया में बहुत सारी लाइब्रेरीज मतलब सब्सक्राइब करते हैं एक साथ बहुत सारे कलेक्शन को। और सपोज अगर एक लाइब्रेरी ने अगर वो सब्सक्राइब किया जर्नल, तो उसकी जितनी भी कंसोर्शिया में जितनी भी लाइब्रेरीज हैं उन सभी के यूजर्स उस पर्टिकुलर सब्सक्राइब जर्नल को यूज़ कर सकते हैं। तो मतलब इससे क्या होता है कि एक मतलब हम मिनिमम बजट में मैक्सिमम यूजर्स को लाभान्वित करा सकते हैं। तो ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस सेक्टर कौन कौन से हैं, तो इसको हमने जनरली दो भागों में डिवाइड किया है, हमारे नेशनल और इंटरनेशनल। तो अगर हम बात करें नेशनल की, तो नेशनल में भी हमने 3 एग्जाम्पल लिए हैं। आपका पहला है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ऑफ नेस्टॉक, और सेकेंड है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेस NISCSS, एंड आपका जो थर्ड है वो है आपका डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ऑफ इनफ्लिमेट जो कि अहमदाबाद में स्थित है। और इंटरनेशनल की अगर हम बात करें तो हमने लिया है यहाँ पे आर्टिकल डिलीवरी ओवर नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम एडिनोस एंड ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस जिसे हम शॉर्ट में BLADS हम बोलते हैं, जो कि UP में स्थित है। और इसी प्रकार से नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन USA, एंड लास्ट में है आपका डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो हमने ये दो भागों में डिवाइड किया है आपका, और इसे हम 1 by 1 नेशनल और इंटरनेशनल में इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा नेशनल डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस सेंटर NISCSS के बारे में, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज, जिसे हम इन शॉर्ट में NISCSS भी बोलते हैं। और इट प्रोवाइड्स कॉपी ऑफ आर्टिकल फ्रॉम इंडियन एंड इंटरनेशनल जर्नल यानी कि फॉरनर जर्नल्स भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ ये पेटेंट स्टैंडर्ड्स भी प्रोवाइड कराता है यूजर्स के रिक्वेस्ट पे। इट्स सर्विसेज इज बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइज्ड कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज हेल्ड इन मेजर लाइब्रेरीज इन इंडिया इंक्लूडिंग इट्स ओन लाइब्रेरी नोन एज ए नेशनल साइंस लाइब्रेरी, एंड DDS सर्विस ऑल्सो रिसीव वाया मेल, फैक्स एक्सेट्रा, एंड द लोकेशन ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इज आइडेंटिफाइंग यूजिंग डेटाबेस NUPSI। इट मीन्स मतलब कहने का ये है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड कलेक्शन है, और इसमें खुद की डेटाबेस के अलावा भी
आपका जो जितनी भी इंडिया की मेजर लाइब्रेरीज है उनकी डेटाबेस को भी हम सर्च कर सकते हैं या उनके कलेक्शन को भी हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के लिए। और ये सर्विस जो है आपकी बेसिकली हम लोग इसे डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल या फिर आपका फैक्स द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन जो स्टार्टिंग होती है बेसिकली क्या होता है कि ये जब हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है तो ये अपने डेटाबेस में सर्च करता है जिसका नाम है नुक्सी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं आप कि नुक्सी जो है डेटाबेस किसका है, निस्क्रियर का। तो इसका फुल फॉर्म भी देखने की जरूरत है यहाँ पे, नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स इन इंडिया। तो ये साइंटिफिक सीरियल्स ऑफ इंडिया में जितने भी साइंटिफिक सीरियल्स है उनका डेटाबेस यहाँ पे अवेलेबल है। और इसका अगर बात करें कितना डेटाबेस है इस नुक्सी में, तो आपका 45,541 पीरियडिकल्स के मतलब डेटाबेस अवेलेबल है यहाँ पे। और ये सारे जो पीरियडिकल्स हैं ऑलमोस्ट 464 लाइब्रेरीज के मतलब अवेलेबल है, 45,541 पीरियडिकल्स। तो ये इतना इसका काफ़ी ह्यूज डेटाबेस है। तो अगर कभी भी रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले जो निस्केयर है वो अपने डेटाबेस नुक्सी में चेक करता है। अगर उसमें अवेलेबल नहीं होता है वो पर्टिकुलर रिक्वेस्ट जो यूज़र की है कंटेंट की नहीं है, तो फिर वो मेजर लाइब्रेरी जितनी भी हमारे इंडिया में अवेलेबल है उनमें सर्च करता है। और वहाँ से वो यूज़र की रिक्वेस्ट को वाया मेल और वाया फैक्स उसे प्रोवाइड कराता है डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के द्वारा। और इसके साथ साथ भी हम कह सकते हैं कि निस्के की बहुत सारे सर्विसेज हैं, और जैसे कि हमने नुक्सी को डिस्कस कर लिया कि जो डेटाबेस है उसके द्वारा वो यूजर को डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस को प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ कंटेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड फोटोकॉपी सर्विस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है इसकी, जिसे इन शॉर्ट में हम लोग कैप्स बोलते हैं। और बेसिकली क्या होता है कि इसमें एक सब्सक्राइब जर्नल की लिस्ट होती है टेबलर फॉर्म में, और इसमें कुछ राइट्स दिए गए हैं यूजर्स को और जो ऑर्गेनाइजेशन या लाइब्रेरीज को, जिसमें अगर हम बात करें यूजर्स की तो 15 आर्टिकल्स को सर्च करके उसे उसके फुल टेस्ट को रिक्वेस्ट करने का राइट है। वहीं अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की या लाइब्रेरीज की, तो एक मंथ में वो 30 आर्टिकल्स को देख के चेक करके उसके एब्स्ट्रैक्ट या फिर फुल टेस्ट के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उन्हें उनकी रिक्वेस्ट पे वाया मेल और वाया फैक्स और वाया पोस्ट को वो कंटेंट प्रोवाइड करा दिया जाएगा निस्केयर के द्वारा। इसी प्रकार से अगर बात करें हम कंसोर्शियम की, तो इसका भी कंसोर्शियम है आपका नेशनल नॉलेज रिसोर्स कंसोर्शियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। और इसमें ऑलमोस्ट आपके मतलब 39 CSIR एंड 24 DS कई इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं। और यानी कि हम कह सकते इन सभी का कलेक्शन मिलजुल कर आप कोई भी यूजर किसी भी जो कि इस NKRC में सम्मिलित हैं, जितने भी मतलब लाइब्रेरीज इन्वॉल्व है उन सभी लाइब्रेरीज की यूजर्स इन सभी लाइब्रेरीज की डेटाबेस को या रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंसोर्शियम का बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर इस कंसोर्शियम में कोई भी एक मतलब सब्सक्राइब करता है जनरल, तो वो उसके सारे जितने भी मेंबर्स हैं उसका लाभ ले सकते हैं। और इसमें ही नेक्स्ट है कि वॉक इन यूजर फैसिलिटी। तो निस्केयर द्वारा वॉक इन यूजर फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें कि जितने भी निस्केयर के आसपास के यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस या लैब्स हो गई आपकी या फिर रिसर्च सेंटर्स हो गए, वो भी वहाँ के यूजर्स भी आकर उनके रिसोर्सेज यानी कि जो निस्केयर की लाइब्रेरीज के मतलब रिसोर्सेज हैं उनको यूज कर सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं वो भी फ्रीली। तो ये इसकी अदर सर्विसेज के बारे में था निस्केयर की। अब हम डिस्कस कर लेते हैं दूसरे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर के बारे में, जिसे हम जानते हैं नेस्टॉक के नाम से, और इसका फुल फॉर्म है नेशनल साइंस सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। और ये 1970 में डेवलप हुआ था एक डिवीजन के रूप में ICSSR के। और बेसिकली इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो भी सोशल साइंस की रिसर्च स्कॉलर्स हैं या मतलब उसके कोई प्रोफेसर या एक्सपर्ट्स हैं तो उनको सपोर्ट करना, तो उसके इसके ये नेस्टॉक का मेन ऑब्जेक्टिव है। इट प्रोवाइड्स डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस बाय प्रोक्योरिंग बुक्स एंड जर्नल्स ऑन इंटर लाइब्रेरी लोन और बाय फोटोकॉपी सिलेक्टेड पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। इट मीन्स कि
यहाँ पे प्रोक्योरिंग एक वर्ड आया है, इसका मतलब ये होता है कि आपको बुक को कलेक्ट करना है, मतलब कैसे भी से इतनी आप परचेज कर सकते हैं या फिर आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं या इंटरलाइब्रेरी लोन के थ्रू कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये किसी भी तरह से मतलब कलेक्ट करके आप यूजर्स को मतलब फोटोकॉपी माध्यम से या फिर सिलेक्टेड पोर्शन, यानी कि आप कभी कभी होता है कि हम बुक्स को पूरा मतलब नहीं चाहिए होता, हमें कुछ पोर्शन चाहिए होता, तो उस पोर्शन को भी हम मतलब मंगा सकते हैं डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस के द्वारा। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव एंड इसकी सर्विसेज हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारे सर्विसेज हैं जो कि इस प्रकार हैं, जैसे कि जो हमारा नेशनॉक है वो रेफरेंस सर्विस भी प्रोवाइड कराता है। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये बेसिकली जितने भी चीज़ें प्रोवाइड कराता है या जो भी स्कॉलिक कंटेंट हो गए या फिर जो इसका डेटाबेस है वो सोशल साइंस की फीस से रिलेटेड, तो सोशल साइंस के स्कॉलर्स के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये अदर सर्विसेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे। तो ये अदर सर्विसेज में ये रेफरेंस सर्विस मतलब प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस भी प्रोवाइड कराता है, बिब्लियोग्राफी ऑन डिमांड प्रोवाइड कराता है, डिमांड पे बिब्लियोग्राफी प्रोवाइड कराता है। साथ ही साथ ई रिसोर्सेज फॉर ICSSR रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड रीजनल सेंटर, तो ये भी ई रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है ICSSR एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के। एंड साथ ही साथ प्रोफेशनल स्किल्स डेवलपमेंट एंड नेटवर्किंग भी प्रोवाइड कराता है, करंट अवेयरनेस सर्विस भी प्रोवाइड कराता है, या आप कह सकते हैं कि लिटरेचर सर्च सर्विस फ्रॉम डिजिटल डेटाबेस एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सर्च भी कर सकते हैं आप डेटा मतलब उनके बेसिस को। ठीक है, आप लिटरेचर सर्च सर्विस भी प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ ये कलेक्शन ऑफ अनपब्लिश्ड डॉक्टरल थीसिस एंड डिसर्टेशन ऑफ सोशल साइंस जर्नल्स, इंडियन एंड फॉरेन रिसर्च प्रोजेक्ट्स, रिपोर्ट्स एंड करंट एंड ओल्ड वॉल्यूम्स, यानी कि ये जो कलेक्शन ऑफ अनपब्लिश्ड डॉक्टर जो डिसर्टेशन है आपके सोशल साइंस की फील्ड में उनके पब्लिश्ड और कैसे कि करंट और आपके जो बैक वॉल्यूम है उनको भी प्रोवाइड कराता है, जो कि आपके इंडियन और फॉरेन जर्नल भी होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये अदर सर्विसेज हैं नेस्टॉक की। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस सेंटर के बारे में हम बात करते हैं, इंप्लीमेंट, जिसे हम लोग इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी सेंटर के नाम से भी जानते हैं, और ये बहुत सारे सर्विसेज लाइब्रेरीज को प्रोवाइड कराता है। और हाल में ही अगर हम बात करें तो इसने उर्कुन की जगह डिलीवरी को रिप्लेस किया है, और ये प्लेसमेंट सॉफ्टवेयर है। और यहाँ पे हम बात करें कि इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विसेज भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है इसकी। और ये जो इंटर लाइब्रेरी लोन, ये डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस है, वो एक गेटवे के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है इसमें, जिसका नाम है आपका जे गेट कस्टम कंटेंट फॉर कंसोर्शियम। और ये एक प्रकार की वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ जनरल लिटरेचर है, जो कि क्रिएटेड एज अ कस्टमाइज्ड ई जनरल एक्सेस गेटवे एंड डेटाबेस सॉल्यूशन। तो इसके थ्रू आपको इंटर लाइब्रेरी लोन एंड डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इसे इंटर लाइब्रेरी लैंडिंग सर्विस भी कहा जाता है। और इन्फ्लिपनेट ऑल्सो मतलब इसके अंदर तक 22 लाइब्रेरीज आती हैं, जिसमें मतलब जो कि UGC एफिलेटेड हैं, और जिसके अंदर तक 149 यूनिवर्सिटीज आती हैं, जिसमें कि अगर जो यूजर्स हैं उनकी नीड मतलब उनका जो कंटेंट है उन्होंने रिक्वेस्ट किए, अगर वो कंसोर्शियम जो हमारे पास कंसोर्शियम है GCC, अगर उसके द्वारा भी फुलफिल नहीं होता है, तो इन लाइब्रेरीज ने यानी कि जो 22 लाइब्रेरीज हैं जो कि UGC एफिलेटेड हैं और जिसके अंदर 149 यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, इन्होंने 2000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइब जर्नल किए हैं। तो अगर JCCC यानी कि आपका जे गेट कस्टम कंटेंट कंसोर्शियम में कोई जर्नल नहीं मिलता है यूजर की रिक्वेस्ट का, तो ये 2000 जो सब्सक्राइब जर्नल्स हैं उनसे भी हम उनकी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस। अब हम बात कर लेते हैं इसकी अदर सर्विसेज के बारे में, और जिसमें कि सबसे पहले हमने जो अभी डिस्कस किया था उसके बारे में, कि डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस थ्रू द हेल्प ऑफ JCC, ये फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है क्योंकि ये करंट टॉपिक का है, तो इसे जरूर याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट सर्विस है आपकी बिब्लियोग्राफिक यूनियन कैटलॉग,
इंडिकैट बोलते हैं, जिसमें कि ऑल ओवर इंडिया का जो कैटलॉग होता है इंडियन लाइब्रेरीज का, वो अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू आप कंटेंट को देख सकते हैं या बुक्स जो भी हैं आप देख सकते हैं। और उसके लिए इससे आप मतलब उसके इंटर लाइब्रेरी लोन के लिए भी उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी को। और साथ साथ बहुत सारी लाइब्रेरी सर्विसेज भी हैं, जैसे कि आपकी बात करें रेफरेंस सर्विस है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस है, करंट अवेयरनेस सर्विस है, इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सर्विस है, और साथ ही साथ फोटो कॉपी सर्विस भी है। और निस्केयर की तरह ही इसमें भी वॉक इन यूज़र फैसिलिटीज अवेलेबल है, जिसमें कि अगर हम बात करें कि एनुअली इसमें 1000 पीपल आते ही आते हैं, जिसमें कि यूजर्स आते हैं, जिसमें कि जो कि इनकी मतलब ई रिसोर्सेज या फिर डेटाबेस का भरपूर यूज़ कर मतलब करते हैं, वो भी फ्रीली अवेलेबल है। और ये जो जो यूज़र्स आते हैं, वॉक इन यूजर फैसिलिटी जो नियर अबाउट यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस अवेलेबल हैं उनके लिए ही पॉसिबल हो पाता है। ठीक है, तो ये अदर सर्विसेज हैं आपकी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के अंतर्गत आती हैं, और ये इन्फ्लिपनेट की अदर सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया। और इसके साथ ही हम कह सकते हैं कि आपका जो नेशनल मतलब डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर्स हैं वो मतलब एक तरह से उसका एंड हुआ, और हमने अब बात करेंगे इंटरनेशनल लाइब्रेरी सेंटर्स के बारे में। तो अभी इसके पहले जो हमने डिस्कस किए थे वो आपके नेशनल इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी, इसके पहले जो हमने डिस्कस किए थे वो इम्पोर्टेंट इंडियन डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के बारे में था। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर्स के बारे में। और इसमें सबसे पहले हम लेते हैं ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस है, जिसे हम वर्ल्ड की लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये इसमें बहुत सारा ह्यूज डेटा मतलब कह सकते हैं बहुत ह्यूज डेटा बेस है इनका, और 150 मिलियन कलेक्शन आइटम्स हैं इनके, जो कि थ्रू ऑनलाइन डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड कराए जाते हैं। और इसमें आपके 260,000 जर्नल्स अवेलेबल हैं, 50 मिलियंस बुक्स हैं, 60 मिलियंस कॉन्फ्रेंसेस प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट्स या पेटेंट्स अवेलेबल्स हैं। साथ ही साथ इसके अलावा भी इनके ऑफिशियल पब्लिकेशन, म्यूजिक स्पोर्ट्स एंड इमेजेस भी अवेलेबल हैं। ये इनका जो कलेक्शन है हम कह सकते हैं कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन को कवर करता है, साथ ही साथ जितनी भी ह्यूमन नॉलेज इन मेनी लैंग्वेज यानी कि मतलब सभी एस्पेक्ट को कवर करता है। और ये अदर लैंग्वेज बहुत सारी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, तो एक सबसे कह सकते हैं कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डॉक्यूमेंट सप्लाई सेंटर भी है, और ये पूरे सभी एस्पेक्ट ऑफ नॉलेज को भी कवर करता है, और साथ ही साथ बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं अदर सर्विसेज ऑफ ब्लेड्स की, यानी कि ब्लेड्स की डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के अलावा बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, जो कि इस प्रकार है। ब्रिटिश लाइब्रेरी ऑनलाइन ऑर्डरिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, इस ये पूरी तरह से फुली ऑटोमेटेड है, और ये परमिट करता है कि आप इसके डेटाबेस को ऑनलाइन सर्च करें, और जो भी आपको रिक्वायर्ड आपको डॉक्यूमेंट है, जो भी कंटेंट है, आप उसे ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं, और ये आपकी रिक्वेस्ट पे इसे ये आपके मेल मतलब के द्वारा आपको ये आपका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो भेज देती है। इसी प्रकार से ब्रिटिश लाइब्रेरी पब्लिशर डिजिटाइजेशन सर्विस है, जिसके अंतर्गत की पब्लिशर्स को अथॉरिटी होती है कि पब्लिशर्स जो भी कंटेंट होता है ऑनलाइन एक्सेस कर सकता है, और उसका करंट के साथ साथ बैक वॉल्यूम को भी प्राप्त कर सकता है। और इसमें ही तीसरा है आपका ब्रिटिश लाइब्रेरी लोन सर्विस, जो कि बहुत फास्ट सर्विस है, और इसमें ऑलमोस्ट 3 मिलियन इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स अवेलेबल हैं, और बस में कंडीशन है कि इसमें आप मतलब यूजर्स इंडिविजुअली रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, इसमें ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आप रिक्वेस्ट होती है। और ये बहुत फास्ट सर्विस है, इसमें ऑलमोस्ट मतलब आपको विद इन 5 मिनट आपको डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस प्रोवाइड हो जाती है जो भी आप रिक्वेस्ट करते हैं वाया मेल। और इस प्रकार से आपकी ब्रिटिश लाइब्रेरी रिप्रिंट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस है, इसमें जो ओरिजिनल क्वालिटी के आर्टिकल्स हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं पब्लिशर्स के थ्रू, और इसका मेन यूज़ होता है इंफॉर्मेशन को डेसिमिनेट करना, और साथ ही साथ इसका ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए या जो आपके फेयर्स होते हैं या एग्जीबिशंस होते हैं उनके लिए इस सर्विस का हम लोग प्रयोग करते हैं। और इसमें ही नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक थीसिस ऑनलाइन सर्विस, इथोस बोलते हैं, इसमें अराउंड 250,000 थीसिस अवेलेबल हैं, जिसको आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन बेसिस पे, बट अगर आप इसे प्रिंट फॉर्म में मंगाना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये ब्रिटिश लाइब्रेरी के बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं इसमें
इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के दूसरे इम्पोर्टेंट सेंटर्स के बारे में, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर है, और इट प्रोवाइड्स इंटर लाइब्रेरी लोन एंड डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस फ्रॉम इट्स ओन कलेक्शन एंड फैसिलिटेट एक्सेस टू कलेक्शन ऑफ अदर लाइब्रेरीज इन ऑस्ट्रेलिया एंड अब्रॉड। यानी कि ये भी अपने कलेक्शन में देखता है, साथ ही साथ फैसिलिटेट करता है और दूसरी अदर लाइब्रेरीज जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैं और अदर जगह पे अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ ये बहुत एक तरह से फास्ट सर्विस है और बहुत सस्ती भी है, और जिसमें कि हम आर्टिकल्स, चैप्टर्स या फिर बुक्स, फोटोग्राफ्स, इन सबको ऑनलाइन माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या फिर हम वाया पोस्ट मंगवा सकते हैं। और इनको इनका जो सिस्टम है बुक डॉक्यूमेंट डिलीवरी का, वो तीन तरीके का होता है, कॉपी एंड स्कैन ऑफ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट एंड पोस्टेड टू NLA वेबसाइट। यानी कि जो भी रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट होता है स्कैन करके ये NLA यानी कि नेशनल लाइब्रेरी ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे अपलोड कर देते हैं और यूज़र को मेल के थ्रू इन्फॉर्म कर देते हैं उसकी लिंक को और पासवर्ड को, जिससे यूज़र उस पर्टिकुलर कंटेंट को देख के मतलब लिंक के द्वारा उसे खोल के पढ़ सकता है और कॉपी भी कर सकता है। और दूसरा है कॉपी ऑफ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट कैन बी प्रिंटेड एंड सेंड बाई पोस्ट, यानी कि डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके उसको पोस्ट द्वारा भेज दिया जाता है। और तीसरा है डायरेक्टली भी NLA से उस कंटेंट को ले सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने आज डिस्कस किया डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस के बारे में, और इसमें हमने इंटरनेशनल और नेशनल डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस सेंटर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस किया। अभी मैं एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करना चाह रही हूँ, बहुत छोटी सी चीज़ है, जनरली कंफ्यूजन होती है इंटर लाइब्रेरी लोन सर्विस क्या होती है और आपकी डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस क्या होती है। तो डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस जो होती है वो आपकी परमानेंट होती है, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट मिल गया वाया मेल और वाया पोस्ट या वाया फैक्स, तो आप उसे अपने पास रख सकते हैं। और इंटर लाइब्रेरी लोन में क्या होता है कि आपको कुछ समय के लिए बोरो मतलब करके आपको मिलता है और कुछ समय के लिए आपको रिटर्न करना पड़ता है। तो ये मेन डिफरेंस है आपका इंटर लाइब्रेरी लोन में और डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, और आज हमने डिस्कस किया नीड एंड पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस एंड वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट डिलीवरी सेंटर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लाइक नेस्टॉक, निस्कियर, इन्फ्लिपनेट एंड ब्रिटिश लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट सप्लाई सर्विस, एंड साथ ही साथ डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। थैंक यू सो मच।